अब हम बात करते हैं अपने व्यवसाय में कुछ टेक्निकल डिटेल्स की, जिसके अंदर हमें कुछ टूल्स, कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस, उन टूल्स की केयर एंड मेंटेनेंस, उनका रख रखाव कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन के लिए उसके औजार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक अच्छा कारीगर अगर उसके पास सही और उपयुक्त औजार नहीं है तो वो अच्छा कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी वर्कमैनशिप में अगर हमारे औजार सही हों तो हमारी वर्कमैनशिप और निखर कर सामने आती है। एक इलेक्ट्रिशियन के पास सबसे मुख्य औजार जो है वो कम्बिनेशन प्लायर होता है। इस कम्बिनेशन प्लायर की टेक्निकल डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कम्बिनेशन प्लायर मार्केट में उसकी साइज के अनुसार मिलता है। इसको इसकी लेग के ऊपर एक अच्छा इंसुलेशन चढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसके प्रिकॉशंस के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसे हम रफली यूज़ ना करें, इसे कोई गर्म जॉब, हॉट जॉब ना पकड़ें और इससे हार्ड वायर्स को ना काटें। प्लायर का जो मुख्य काम है वो है किसी वायर्स को ट्विस्ट करना, मोड़ना या किसी जॉब को होल्ड करना। इसे कटर के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा मुख्य औजार होता है साइड कटिंग प्लायर और लॉन्ग नोज प्लायर। ये भी प्लायर की तरह ही होते हैं, लेकिन साइड कटिंग प्लायर वायर्स को कटिंग के काम में लाया जाता है तथा जो लॉन्ग नोज प्लायर है वो किसी ग्रूव से, किसी होल से किसी नट को बाहर निकालने या उसमें फिट करने के काम में लाया जाता है। प्लायर के बाद दूसरा मुख्य औजार होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए स्क्रू ड्राइवर। अलग अलग प्रकार के स्क्रूज को खोलने या टाइट करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ स्क्रू फ्लैट हेड होते हैं, कुछ स्क्रू स्टार हेड वाले होते हैं। उपयुक्त औजार का प्रयोग करके हम उपयुक्त प्रकार के स्क्रू को खोलते हैं। अगर स्टार हेड स्क्रू है तो उसके लिए स्टार हेड वाला स्क्रू ड्राइवर ही यूज किया जाना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिस साइज का स्क्रू है उसके लिए उपयुक्त आकार का ही स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करें। छोटे स्क्रू ड्राइवर से बड़े पेच या बड़े स्क्रू ड्राइवर से छोटे स्क्रू खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे स्क्रू का हेड खराब हो सकता है या हमारा स्क्रू ड्राइवर भी डैमेज हो सकता है। बहुत छोटे पेच खोलने के लिए स्टार या कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर यूज किया जाता है। कभी कभी इस काम के लिए हम टेस्टर या लाइन टेस्टर भी यूज कर लेते हैं। लाइन टेस्टर का मुख्य कार्य स्क्रू को खोलना या टाइट करना नहीं होता है, बल्कि किसी भी लाइन में फेज का पता लगाना होता है। जैसे ही हम अपने लाइन टेस्टर को किसी लाइव वायर के साथ टच करते हैं, उसकी कैप के साथ हमारा अंगूठा या उंगली टच होनी चाहिए, तो उसके अंदर हमें एक इंडिकेशन मिलती है। एक छोटा सा इंडिकेटिंग लैंप ग्लो करता है जो कि उस तार में फेज की उपलब्धता को दर्शाता है। उससे हमें लाइव वायर का पता चल सकता है, चल जाता है कि इस लाइन में फेज अवेलेबल है। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिशियन का मुख्य औजार होता है सीरीज टेस्ट लैंप। सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा ही हम किसी उपकरण की कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। जब भी कोई उपकरण हमारी वर्कशॉप में, हमारे सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए आता है तो हमें सबसे पहले उसकी कंटिन्यूटी जांचनी होती है। कई बार मात्र एक वायर के डिस्कनेक्ट होने से ही इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसकी कंटिन्यूटी जांच करें। कंटिन्यूटी में उसका एलिमेंट, उसका कार्य करने वाली वाइंडिंग या उसकी सप्लाई लीड्स शामिल है। हमें बारी बारी सीक्वेंस वाइज एक एक चीज को सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करके उसकी कंटिन्यूटी का पता लगाना होता है और उससे हमें उस इक्विपमेंट को रिपेयर करने में काफ़ी मदद मिलती है। टेस्ट लैंप के अंदर जब टेस्ट लैंप तैयार कर रहे होते हैं तो होल्डर के अंदर कैप से पहले एक नॉट लगाना जरूरी है। नॉट लगाने से जो लैंप का लोड है, लैंप का जो भार है, वो वायर टर्मिनल्स पर नहीं आता है, वायर उसे होल्ड कर लेती है, हैंडल कर लेती है। टेस्ट लैंप के बाद अगला जो मुख्य औजार है इलेक्ट्रिशियन के लिए वो होता है हैमर। हैमर बॉल पिन हैमर के रूप में हो सकता है, क्रॉस पिन हैमर के रूप में हो सकता है, जिससे हम दीवार में छेद करने के लिए, किसी चीज़ की कटिंग के लिए, छेनी के ऊपर चोट मारने के लिए यूज़ करते हैं। हैमर जब किसी मेटेलिक चीज़ के ऊपर यूज़ करना हो
तो लोहे का नहीं लकड़ी या नाइलोन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने किसी मशीन के एंड कवर्स को खोलना हो, किसी मेटेलिक सीट को सीधा करना हो, किसी धातु के अंदर बेंड को डेंट को रिमूव करना हो, तो हमें लकड़ी या नाइलोन के हैमर का प्रयोग करना पड़ता है। मोटर के कवर्स को भी नाइलोन या लकड़ी के हैमर से ही हम फिक्स करते हैं या खोलते हैं। हैमर के अलावा अगला जरूरी औजार होता है हैक्सा। हैक्सा के द्वारा हम छोटे छोटे शीट्स को काटते हैं। कोई भी मेटल के पीस को काटने के लिए हम हैक्सा का यूज करते हैं। वायरिंग के दौरान हमें कंड्यूट पाइप्स को काटना पड़ता है या किसी दूसरे पैनल बोर्ड के अंदर कटिंग करनी हो तो हम हैक्सा का यूज करते हैं। दूसरा सा हमारे पास होता है वुड सा। वुड सा का अर्थ है लकड़ी काटने वाली आरी। लकड़ी काटने की वाली आरी का प्रयोग हम वायरिंग करने के दौरान या किसी बोर्ड की कटिंग के लिए वुड सा का यूज करते हैं। वुड सा और हैक्सा दोनों का यूज करते समय इस बात के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए कि हमारे ब्लेड की जो दिशा है वो सीधी हो, और कटिंग के दौरान जो बुरादा निकलता है, जो छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं, वो हमारी तरफ ना आकर हमारे से दूर गिरे। अगर हम इन छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और साथ में हमारी स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। हैक्सा के बाद दूसरे महत्वपूर्ण औजार होता है फाइल्स। इलेक्ट्रिशियन के काम में फाइल्स या रेती बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण औजार है। फाइल्स के द्वारा हम वायरिंग करते समय जब शीट कटिंग करते हैं तो उनमें फाइनल फिनिशिंग देने के लिए फाइल्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पैनल बोर्ड में कुछ इक्विपमेंट्स, मीटर्स, इंडिकेटर्स आदि स्थापित करने के लिए भी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये फाइल्स लंबाई और दांतों के कटिंग के अनुसार अलग अलग नामकरण से मार्केट में उपलब्ध होती हैं। मुख्यतः लंबाई और उसके शेप के अनुसार हम फाइल को मार्केट से लेते हैं। फाइल्स फ्लैट फाइल्स हो सकती है, जहाँ पे किसी फ्लैट सरफेस को ग्राइंड या कटिंग की आवश्यकता हो वहाँ पे फ्लैट फाइल का यूज़ किया जाता है। कई बार हमें स्क्वायर फाइल की भी आवश्यकता पड़ती है या राउंड अथवा हाफ राउंड फाइल भी हम यूज़ करते हैं। हाफ राउंड फाइल या राउंड फाइल हम ऐसी जगह में यूज करते हैं जहाँ पर हमें कोई गोलाकार सुराख बनाना होता है। इसके लिए पहले उस बोर्ड या पैनल के अंदर लकड़ी या धातु की शीट के अंदर ड्रिल मशीन से एक आउटर लाइन होल करके बाद में उसे फाइनल शेप देने के लिए राउंड फाइल या हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइल के बाद मशीन के रिपेयर को अंजाम देने के लिए, उसे खोलने के लिए अगला महत्वपूर्ण औजार होता है स्पैनर सेट। स्पैनर सेट का कार्य नट बोल्ट को खोलना या टाइट करना होता है। स्पैनर सेट अलग अलग आकार और अलग अलग नंबर्स में उपलब्ध होते हैं। मुख्यतः गोटी सेट, जिसे हम बॉक्स स्पैनर सेट भी कहते हैं, या रिंग स्पैनर सेट और डबल एंडेड स्पैनर सेट हमारे पास मुख्य रूप से नट बोल्ट को खोलने और चढ़ाने के काम में आते हैं। अगर हमारे काम में बहुत ज़्यादा मशीन्स इस तरह की काम में नहीं आती हों जहाँ पे ग्रूव से नट बोल्ट खोलने हों, तो हमारा कार्य डी स्पैनर सेट से अर्थात डबल एंडेड स्पैनर सेट से आसानी से चल सकता है। डबल एंडेड स्पैनर सेट को यूज़ करते समय ये मुख्य ध्यान रखना पड़ता है कि जिस आकार का नट या बोल्ट है उसी आकार के स्पैनर सेट को हम प्रयोग करें। अगर हम छोटे नट पर ओवर साइज का स्पैनर लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे नट के जो एजेस हैं वो धीरे धीरे गोल हो जाएंगे और उसके बाद उसमें कोई स्पैनर काम नहीं कर पाएगा। और यदि हम बड़े नट पर छोटा स्पैनर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमारे स्पैनर का आकार ही बिगड़ जाएगा और उसके बाद वो किसी दूसरे नट को खोल नहीं पाएगा। इसलिए सही आकार के नट बोल्ट के खोलने के लिए उसी साइज़ के नट बोल्ट की चाबी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बोल्ट या कुछ नट एलन आकार के भी होते हैं, उन्हें खोलने या टाइट करने के लिए हम एलन की का प्रयोग करते हैं। एलन की एल शेप के आकार की होती हैं जो कि किसी नट बोल्ट के इनर ग्रूव्स में आती हैं और उसकी हेल्प से हम उसे
टाइट या लूज करते हैं। अधिकांश छोटी छोटी मशीनों में एलन स्क्रू ही यूज किए जाते हैं, जिसके लिए हमारे पास एलन की सेट का होना आवश्यक है। इसके बाद हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चेक करने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार होता है, जिसे हम मल्टीमीटर बोलते हैं। इस मीटर का नाम ही मल्टीमीटर है, अर्थात ये मल्टी काम करता है, कई सारे कामों को एक साथ एक ही मीटर से हम अंजाम देते हैं। ये मीटर किसी भी डिवाइस की कंटिन्यूटी चेक कर सकता है। उस मीटर के द्वारा हम किसी डिवाइस का रेजिस्टेंस माप सकते हैं, या उस मीटर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी पता लगा सकते हैं। मल्टीमीटर इलेक्ट्रिशियन के पास किसी भी लाइव डिवाइस या शटडाउन में आए हुए रिपेयर के लिए आए हुए डिवाइस को चेक करने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार है। लेकिन इसे यूज करने से पहले इसके लिए निर्धारित जरूरी प्रिकॉशंस अपनाए जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है और बहुत ही सेंसिटिव प्रकार का होता है। यदि हम इसे गलत रेंज पर सेट करके या गलत सिलेक्शन करके उपयोग में लाएंगे तो ये एकदम से डैमेज भी हो सकता है। मल्टीमीटर के अलावा हमें कुछ दूसरे टेस्ट करने के लिए दूसरे मीटर्स की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर या मैगर और अर्थ टेस्टर। वोल्ट मीटर के द्वारा हम लाइन में अवेलेबल वोल्टेज को मेजर करते हैं। एम्पियर मीटर के द्वारा हम मशीन द्वारा या किसी इक्विपमेंट द्वारा लिया जाने वाला करंट मेजर करते हैं, पता लगाते हैं कि ये मेरी मोटर, ये मेरा डिवाइस निर्धारित करंट ले रहा है या इसमें कोई असामान्यता तो नहीं है। अगर मशीन या डिवाइस सामान्य से अधिक करंट ले रहा है तो वो मशीन तथा हमारी वायरिंग के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही नहीं हो तो भी हमारी मशीन में कभी भी लीकेज हो सकती है, उसके ऊपर कार्य करने वाले ऑपरेटर को करंट लगने का अंदेशा रहता है। इसके लिए हमारे पास एक अलग मीटर होता है, जिसे हम मैगर कहते हैं, या मैगर का ही दूसरा नाम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर भी होता है। इसके द्वारा हम मशीन में उपयुक्त वाइंडिंग या जो कनेक्टिंग वायर्स है उसके रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं। वाइंडिंग और कनेक्टिंग वायर्स का इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही मात्रा में होना चाहिए, जिसका सही मूल्य 1 मेगा ओम है। यदि किसी भी डिवाइस का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम अर्थात 10 लाख ओम से कम हो तो उसे हम सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सप्लाई से कनेक्ट करने पर लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की अवस्था में उस डिवाइस या उस इक्विपमेंट के बाहरी आवरण में, बाहरी बॉडी में कभी भी लीकेज करंट आ सकता है, जो कि उस पर कार्य करने वाले ऑपरेटर के लिए चिंता का विषय हो सकता है। एक सीरियस इंजरी, सीरियस शॉक उस व्यक्ति को कभी भी लग सकता है। इसलिए किसी भी डिवाइस को रिपेयर करने के बाद या शुरू में सप्लाई देने से पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किया जाना बहुत जरूरी है। अगला महत्वपूर्ण मीटर होता है अर्थ टेस्टर। किसी भी डिवाइस और उस पर काम करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा उस डिवाइस के साथ जुड़ी हुई अर्थ कनेक्टिविटी के साथ के ऊपर निर्भर करती है। यदि हमारी अर्थ कनेक्टिविटी सही है तो हमारे पास उस मशीन से काम करने वाला ऑपरेटर निश्चिंत होकर काम कर सकता है, उस ऑपरेटर और उस मशीन के लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। एक अच्छे अर्थ के का रेजिस्टेंस निर्धारित मूल्य तक ही सीमित रखना चाहिए। उसको चेक करने के लिए अर्थ टेस्टर का प्रयोग करते हैं। समय समय पर अर्थ का रेजिस्टेंस चेक करते रहना चाहिए, खासकर गर्मी के मौसम में अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर नमी की कमी हो जाती है, जिससे अर्थ के रेजिस्टेंस में बढ़ोतरी हो जाती है। यदि अर्थ का रेजिस्टेंस 3 ओम तक सीमित ना किया जाए तो व्यक्ति के लिए करंट लगने का खतरा बन जाता है। अर्थ के रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो जाता है कि गर्मी के दिनों में हम अपने अर्थ पिट में साल्टी वाटर या सिंपल पानी समय समय पर डालते रहें और साथ ही उसके अर्थ रेजिस्टेंस को भी चेक करते रहें। यदि अर्थ रेजिस्टेंस पानी डालने के बाद भी सामान्य वैल्यू तक नहीं आता है तो हमें फिर एक से अधिक अर्थ पैरेलल में जोड़कर करने की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा हमारे पास अगला महत्वपूर्ण औजार इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है चीजल।
एक कोल्ड चीजल और दूसरा थर्मर चीजल। कोल्ड चीजल का यूज एक इलेक्ट्रिशियन मशीन की एंड कवर्स को खोलने के लिए, दीवार में ग्रूव्स काटने के लिए या किसी जाम नट बोल्ट आदि को खोलने के दौरान करता है। वायरिंग करते समय अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए दीवार में, हमें छतों में वायरिंग के लिए पाइप इंस्टॉल करने के लिए ग्रूव्स काटने पड़ते हैं, इसके लिए हमें कोल्ड चीजल की आवश्यकता पड़ती है। ये चीजल समय समय पर उचित टेम्पर को आई जानी बहुत जरूरी होती है। दूसरी चीजल हमारे पास फर्मर चीजल होती है, जिस फर्मर चीजल लकड़ी के कामों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे वायरिंग के दौरान बैटन को छिलना या लकड़ी के बोर्ड में आर पार होल करना या उसकी थोड़ी बहुत कटाई करना, उस काम के लिए फर्मर चीजल प्रयोग की जाती है। फर्मर चीजल को यूज करते समय ये ध्यान देना आवश्यक है कि उसे कभी भी बिना हैंडल से प्रयोग ना किया जाए। इसे रखने के लिए एक खास प्रिकॉशन की आवश्यकता पड़ती है कि इसे कभी भी खुला जेब में या अपने टूल बैग में ना रखें, क्योंकि इसके शार्प एज बॉडी के किसी पार्ट को इंजरी कर सकते हैं या हमारे टूल बैग को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए इसे रखने के लिए अच्छे ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। चीजल के बाद अगला मुख्य औजार होता है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन दो तरह की हो सकती है, एक मैनुअल ड्रिल मशीन, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन को यूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता पड़ती है। कुछ एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर कार्य करते समय हमें बिजली उपलब्ध ना हो, वैसी जगह में हमें मैनुअल हैंड ड्रिल मशीन से कार्य लेना पड़ता है। ड्रिल मशीन का कार्य किसी दीवार में, किसी बोर्ड में या किसी पैनल में छेद करने के लिए किया जाता है, ताकि वहां पर कोई गिट्टी लगाकर नट बोल्ट या दूसरा कोई स्क्रू फिक्स किया जा सके। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को चलाते समय, ऑपरेट करते समय ध्यान रहना चाहिए कि उसे हमने फर्म ग्रिपिंग के साथ पकड़ा हो। यदि हमने उसे लूज हैंडल से पकड़ा होगा, ढीले हाथों से पकड़ा होगा, तो वो हमें नुकसान कर सकती है। दूसरा छेद करने वाला महत्वपूर्ण औजार इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है ब्राड वाल या पोकर। जब हम किसी बोर्ड या किसी पैनल में कोई स्क्रू कसने जा रहे हों, तो वहाँ पर स्क्रू कसने से पहले गाइड होल करना पड़ता है, जिसके लिए पोकर का इस्तेमाल किया जाता है। पोकर एक ऐसा साधन है जो हमें नट बोल्ट या स्क्रू को कसने में सुविधा प्रदान करता है। यदि हम बिना गाइड होल किए स्क्रू को कसने की कोशिश करेंगे, तो हमारा स्क्रू बार बार इधर उधर टिल्ट होता रहेगा, जिससे हमारे उंगली में या हमारे हाथ में इंजरी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। इसलिए गाइड होल करना बहुत आवश्यक है।